शहरों में छोटे छोटे घर होने का सपना सबका होता है। जी हाँ, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, बहुत ही शानदार वीडियो आप ही के अपने चैनल होम्स फॉर सेल में, जहाँ हम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और मोहन गार्डन जैसी प्राइम लोकेशन में बना हुआ फ्लैट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्लैट 2 साइड ओपन है, 85 गज में बना हुआ है और मेट्रो से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है। बात करें अगर लोकेशन की, तो फिर से बता दूं कि ये मोहन गार्डन जैसी प्राइम लोकेशन है। और साथ ही साथ आपको एक चीज और मैं बता देने वाली हूँ कि कार पार्किंग और लिफ्ट की फैसिलिटी हम आपको साथ में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्लैट का बहुत ही प्यारा सा लुक। इतना शानदार 3 BHK आपको यहाँ पर मिल रहा है, 85 गज में बना हुआ है। और अगर बात करें इस लिविंग एरिया की, तो लिविंग एरिया बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। आपको यहाँ दिख रहा है कि इस 3 BHK में जो लिविंग एरिया है, उसे कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक सोफ़ा सेट सेंटर टेबल और 2 पफीज के साथ लगा के दिया जा रहा है। और बात करें अगर वॉलपेपर की, तो ठीक सोफे के पीछे आप देख ही पा रहे हैं कितना शानदार, कितना खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा एन्चेंटिंग वॉलपेपर है, जो आपकी लाइटिंग्स को निखार कर सामने लेकर आ रहा है। बात करें अगर स्प्लिट एसी की वायरिंग की, तो वो भी आपको आप ही के लिविंग एरिया में मिल रही है। इस तरफ हमने स्प्लिट एसी की वायरिंग करवा के दी है और साथ साथ बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ लिविंग एरिया आपका बन के तैयार हो चुका है। बात करेंगे TV पैनल की, देख सकते हैं कितना स्पेशियस, कितना बड़ा और कितना ही खूबसूरत TV पैनल आपको यहाँ पर मिल रहा है। 2 स्विच बोर्ड्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और इंटरकॉम की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। बात करें अगर ओपन शेल्फ की और होम डेकोर्स की, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर लगा के दी जा रही है। आपको यहाँ पर ड्रॉअर की फैसिलिटी मिल रही है और बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा अपना TV आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप ही के लिविंग एरिया में टोटली मूवी थिएटर वाली वाइब्स आपको आने वाली है। लिविंग एरिया आप देख रहे हैं और TV पैनल देख चुके, तो अब बारी है फॉल सीलिंग की, जो कि आप ही के लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आपकी फॉल सीलिंग है। अगेन आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से ब्राउन कलर की शेड के साथ आपकी इस फॉल सीलिंग में कलर किया गया है। और बात करें फैंस की, तो 2 फैन इंस्टॉल करके झूमर लगा के LED लाइट और फोकस लाइट का इस्तेमाल आपकी फॉल सीलिंग में किया है, ताकि चमचमाता हुआ घर आपको मिल सके। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से होकर गुजरते हुए किस तरीके से आपके 2 रूम्स यानी 2 बेडरूम यहाँ पर बनाए गए हैं। लिविंग एरिया आप देख चुके हैं, फॉल सीलिंग आप देख चुके हैं, TV पैनल आपने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाऊंगी कि आपका फर्स्ट बेडरूम कैसे और कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जी हाँ, देखिए यहाँ से ठीक लिविंग एरिया से होकर गुजरते हुए ये आता है आपका फर्स्ट बेडरूम। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। और बात अगर कलर कॉम्बिनेशन की करें, तो बहुत ही डिसेंट लुक आपके इस फर्स्ट बेडरूम में मिल रहा है। बात करते हैं वॉलपेपर की सबसे पहले, तो देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर वॉलपेपर लगाया गया है, बहुत ही शानदार लुक आ रहा है। और बात करें अगर इस बेडरूम की, तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। सबसे पहली फैसिलिटी ये है कि इस बेडरूम में आपको एक अटैच्ड बालकनी मिल रही है, विंडो बहुत ही बड़ा है, बालकनी का डोर आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर विंडो AC की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने विंडो AC के लिए स्पेस छोड़ा है। बात करेंगे अब इस बेडरूम की दूसरी खूबी की। जी हाँ, ये TV पैनल। तो ये है आपका TV पैनल, जो आपके फर्स्ट बेडरूम में लगाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है, कलर आपकी वॉल से बिल्कुल ही मिलता जुलता है और इसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये किस चीज़ से बनाया है। हालांकि जैसे ही आप इसको टच करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वुडवर्क है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ओपन शेल्फ, स्विच बोर्ड और ड्रॉअर की फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका TV यहाँ पर लग सकता है। अगर आप बालकनी के नज़ारे लेना चाहते हैं, वेंटिलेशन आपको चाहिए आपके बेडरूम में, तो बस बेडरूम का दरवाज़ा खोलें, बालकनी आपको अटैच मिल ही रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आपके बेडरूम में आती हुई आपको फील हो जाएंगी। इसी के साथ अब हम बात करेंगे आपके इस बेडरूम की फॉल सीलिंग की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग है। फैन हम लगा के दे रहे हैं और साथ साथ अगर बात करें लाइटिंग्स की, तो LED लाइट और फोकस लाइट का वर्क आपको यहाँ पर मिल रहा है।
फॉल सीलिंग में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि आपके पूरे फ्लैट में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। बालकनी का लुक अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी। फर्स्ट बेडरूम की बालकनी देख चुके हैं, फर्स्ट बेडरूम देख चुके हैं, तो अब आपको बताऊं फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। जी हाँ, एंटर कर चुकी हूँ मैं आपके सेकंड बेडरूम में और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बेडरूम आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। खिड़की से लेकर हर चीज की फैसिलिटी आपके इस बेडरूम में भी है। देख सकते हैं कितनी बड़ी विंडो हम आपको यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत डिजाइंड यहाँ पर कर्टेन्स भी आपको मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डबल सिक्योरिटी के साथ आपको खिड़की मिल रही है, लोहे के जाल लगाए गए हैं, मस्कीटोज से बचने के लिए जाली लगाई गई है और वुडन का डोर आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ साथ अब बात करेंगे आपके सेकंड बेडरूम में मौजूद टीवी पैनल की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार टीवी पैनल एक्सेसरीज के साथ आपको मिल रहा है। बात करेंगे अगर ओपन शेल्फ और ड्रॉअर की, तो आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है कि यहाँ किस तरीके से दो अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। आपके ड्रॉअर्स के लुक अलग से ही निखर कर सामने आ रहे हैं। स्विच बोर्ड आपको यहाँ पर लगा के दिया गया है। अब इसके बाद बारी है बहुत ही खास चीज की, बहुत ही खूबसूरत चीज की, वो है आपके सेकंड बेडरूम में मौजूद कबर्ड। देख सकते हैं आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशियस कबर्ड बना के दिया जा रहा है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्पेस आपको मिल रही है। एक टेबल की तरह आपको यहाँ पर शेल्फ बना के दी जा रही है। आप चाहो तो इसका स्टडी टेबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर चीजें स्टोर करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि इसे डिजाइन इसी तरीके से किया गया है ताकि आप इसका मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको कबर्ड और अलमीरा जो मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपको यहाँ पर डबल डोर अलमीरा मिल रही है और साथ साथ बहुत ही खूबसूरत लुक, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा होगा। इसी के साथ अब हम बात करेंगे आपके सेकंड बेडरूम की फॉल सीलिंग की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार एलईडी लाइट और फोकस लाइट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और आपका सेकंड बेडरूम चमचमाता हुआ नजर आपको आ ही रहा होगा। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसी फॉल सीलिंग की बदौलत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शानदार है, वेंटिलेटेड बेडरूम है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको मोस्ट अवेटेड यानी कि आपका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। तो यहाँ से ड्राइंग रूम से यानी आपके इस लिविंग एरिया से होकर गुजरते हुए आपको जाना होगा आपके थर्ड बेडरूम की ओर, जहां जाते जाते रास्ते में पड़ने वाला है आपका लिविंग एरिया में अटैच्ड कॉमन वॉशरूम, जिसका लुक मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। वॉशरूम आप देख चुके हैं। जी हाँ, उसी के साथ आपको बताऊं कि जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर निकलेंगे तो आगे का रास्ता आपको नजर आएगा। और साथ साथ बात करें इस रास्ते की, तो यहाँ पर आपको इस गैलरी में आपको बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन मिलेगा। यहाँ पर एक्सेसरीज लगा के आपको दी जा रही है, बहुत ही खूबसूरत सा टेबल आपको यहाँ लगा के दिया जा रहा है और प्लांट्स भी, इंडोर प्लांट्स हम यहाँ पर आपको लगा के दे रहे हैं। साथ ही साथ आगे आपको दिखाना चाहेंगे आपका ये मॉड्यूलर किचन, और आपको बताना चाहूंगी कि इस रास्ते से जैसे आप होकर आएंगे अपने किचन की ओर, इधर की तरफ आते हुए आपको आपकी फॉल सीलिंग नजर आएगी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। डिजाइन बहुत ही ज्यादा शानदार है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफाइल एलईडी लाइट, फोकस लाइट और एलईडी लाइट लगा के दी जा रही है। इसी के साथ अब दिखाऊंगी आपको आपका मॉड्यूलर किचन, एल शेप्ड किचन, बहुत ही शानदार किचन है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। मॉड्यूलर किचन से यानी हम चिमनी, मॉड्यूलर किचन से मेरा मतलब है यहाँ पर चिमनी इंस्टॉल है जो हम आपको ऑलरेडी लगा कर दे रहे हैं। साथ ही साथ आरओ फिटिंग, पानी की फिटिंग, हर चीज की फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है। आपको अटैच्ड विंडो भी आपकी इस किचन में मिलेगी। स्पेशियस किचन है, बहुत ही खूबसूरत ड्रॉअर्स है, बहुत ही शानदार कबर्ड्स है और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर टाइल लगाया गया है। काफी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा किचन आपको मिलेगा। दो जगह स्विच बोर्ड आपको मिल रहे हैं, फ्रिज की स्पेस यहाँ पर है। इसी के साथ अब आपको दिखाना चाहूंगी आपका थर्ड बेडरूम। जी हाँ, आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको आपका थर्ड बेडरूम दिखाएंगे। तो ये है आपका थर्ड बेडरूम। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और सबसे खास चीज ये है कि आपके थर्ड बेडरूम में आपको मास्टर बेडरूम वाली सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। जी हाँ, आपको वॉशरूम अटैच मिल रहा है और साथ ही साथ बालकनी की फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है, जहाँ से आपको आपके बेडरूम से बैठते ही बाहर के नज़ारे मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बालकनी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बात करें बेड की, तो ये बेड आपको यहाँ लगा के दिया जा रहा है जो
टोटली ग्रे कलर से डिजाइन है। क्विल्टिंग का वर्क यहाँ पर ग्रे शेड में है और ग्रे कलर का इस्तेमाल यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। बात अगर वॉलपेपर की करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन है और ये वॉशेबल वॉलपेपर है जो कभी भी जल्दी से गंदा नहीं होता, और अगर हो जाए तो आप इसको आसानी से गीले कपड़े से साफ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सही से सिक्योर रख सकते हैं। इसी के साथ आपको दिखाना चाहूँगी आपके बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम का लुक। वॉशरूम का लुक आप देख ही चुके हैं, बालकनी का लुक आप देख ही चुके हैं। इसी के साथ अब आपको दिखाती हूँ आपके थर्ड बेडरूम का ये बड़ा सा टीवी पैनल। ग्रे शेड में है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, काफ़ी स्पेशियस है। दो स्विच बोर्ड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही शानदार तरीके से इसको यहाँ पर लगाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। इसी के साथ अब आपको मैं दिखाना चाहूँगी आपके इस थर्ड बेडरूम की फॉल सीलिंग जो बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फैन इंस्टॉल यहाँ पर करके दिया जा रहा है, LED लाइट और फोकस लाइट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है क्योंकि बालकनी अटैच्ड है और विंडो यहाँ पर आपको लगा के दी जा रही है, उसकी वजह से ऑलरेडी आपका जो बेडरूम है वो चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। पर इसी के साथ साथ इस पूरे फ्लैट में कई सारी फैसिलिटीज है। एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगी, तो यहाँ आपको आपके बेडरूम में मिल रही है ट्रिपल डोर अलमारी। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। इस तरफ ड्रॉअर की फैसिलिटी भी है और ऊपर की तरफ भी आपको कबर्ड्स बना के दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेशियस अलमीरा आपको यहाँ पर मिल रही है। इसी के साथ आपको एक बार फिर से बता दूं, मोहन गार्डन जिसकी प्राइम लोकेशन है 85 गज में बना हुआ 3 BHK मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कार पार्किंग और लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिल रही है। बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन है और बहुत ज्यादा किफायती रेट में फ्लैट आपको मिल रहा है। जल्दी से जल्दी इस घर को अपना बनाने के लिए क्या करना है, बस सिंपल तरीके से होम्स फॉर सेल के साथ कॉन्टैक्ट करना और इस घर को अपना बना लेना है। 3 BHK है और 2 साइड ओपन फ्लैट है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जल्दी से जल्दी इस घर को अपना बनाने के लिए होम्स फॉर सेल के साथ संपर्क करें और इस शानदार डील का फायदा उठाएं।